लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ अकाउंटिंग जी स्टूडेंट्स आज हम ग्रोथ अकाउंटिंग पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोडक्शन फंक्शन मॉड्यूल सेवेंटी में आपको याद होगा हम बहुत डिटेल में प्रोडक्शन फंक्शन पर बात कर चुके हैं सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्शन फंक्शन बाय इजिकल टू ए टाइम्स एफ के एन सो वाई इज़ द आउटपुट ए टनोलॉजी के कैपिटल स्टॉक एंड एन लेबर सो इसमें ए जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ़ के एन के साथ तो मॉड्यूल सेवेंटी में हमने डिस्कस किया था कि टेक्नोलॉजी डिफरेंट वेज में प्रोडक्शन फंक्शन में एंटर कर सकते हैं ठीक है एक ये वाला था दूसरे में इसका इसका इम्प्लीकेशन क्या होगी कि एनी इम्प्रूवमेंट एंड टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट द मार्जिन प्रोडक्ट्स ऑफ कैपिटल एंड लेबर इन द सेम वे ठीक है ये इस सेंस में न्यूट्रल होगी और दूसरी फॉर्म उसकी क्या हो सकती है कि वाई इज़ इक्वल टू एफ ए टाइम्स के इन टू एन सपोज ये अगर है तो इसके नतीजे में क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो होगी वो मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को जस्ट इफ़ेक्ट करेगी लेबर को नहीं करेगी और थर्ड ऑप्शन फिर क्या बनती है कि एफ़ के इंटू ए टाइम्स एन यानी एनी इम्प्रूवमेंट एन टेक्नोलॉजी इट विल अफेक्ट ऑनली द मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर सो दिज आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बट हम ये सिम्पल केस ले रहे हैं जिसमें एनी इम्प्रूवमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो है वो लेबर और कैपिटल को इक्वल वे में अफेक्ट करेगी और दूसरा ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ें हम कॉन्स्टेंट रिज्यूम कर हम वेरिएबल ले रहे हैं के इज़ अ वेरिएबल एन इज़ अ वेरिएबल शॉर्ट टर्म में जब हमने डिस्कस किया था तो हम के को फिक्स कर लेते थे तो अब ये तमाम वेरिएबल्स हैं तो अब हम इस प्रोडक्शन फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ रेट्स लिखना चाह रहे हैं ग्रोथ रेट्स में जब आप इसको लिखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी डी वाई बाई वाई डी वाई बाई वाई क्या है दिस इज द ग्रोथ रेट ऑफ वाई राइट डी वाई न्यूमिरेटर में क्या है ये वाई में चेंज है इसको हम कहते हैं एप्सोलूट चेंज और एप्सोलूट चेंज को जब वाई से डिवाइड कर रहे हैं तो ये रिलेटिव चेंज हो जाती है और ये ग्रोथ रेट कहलाता है एक जस्ट सिंपल सी नोमेरिकल एग्जाम्पल अगर हम ले सपोज़ वाई आपके पास हंड्रेड था और इसमें फिर वन वन ओ फाइव हो गया तो चेंज इन वाई आप कितना है फाइव और चेंज इन वाई को जब आप वाई से डिवाइड करेंगे ये हंड्रेड में फाइव की चेंज आई थी तो ये फाइव परसेंट जो है दिस इज़ द ग्रोथ रेट ओके फाइव बाई हंड्रेड इसको आप परसेंटेज फॉर्म में लिखेंगे तो फाइव परसेंट कहेंगे अदरवाइज आप इसे पॉइंट जीरो फाइव कहेंगे ओके सो डी वाई ओवर वाई इज द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट डी ए ओवर ए इज द ग्रोथ रेट ऑफ टेक्नोलॉजी ओके सिमिलरली डी के ओवर के इज द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल स्टॉक एंड डी एन ओवर एन इज द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर ए के एंड ए एन ए के इज द इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट से आप हाँ फेमिलियर हैं ओके okay? सो so, अगर कैपिटल वन परसेंट चेंज होता है तो हाउ मच आउटपुट विल चेंज सो ये हमें पता चलता है ए के की वैल्यू से सिमिलरली एन क्या होगा इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर ओके कि लेबर अगर वन परसेंट इनक्रीज़ होती है तो वो फिर आउटपुट को कितने परसेंट चेंज करेगी तो ए के एन एन आर द इलास्टिसिटीज़ और इसके बारे में हम अज्यूम करेंगे कि इन दोनों का सम इक्वल टू वन है ओके ए के जो है वो भी लेस देन वन है एन भी लेस देन वन है ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से और इन दोनों का सम इक्वल टू वन है तो इसे हम टेक्निकली कहते हैं कि देर आर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब ये होगा कि अगर आप लेबर और कैपिटल को टेन परसेंट इंक्रीज करते हैं तो उसके नतीजे में आउटपुट भी आपकी टेन परसेंट हो होगी सो so, ये आपकी प्रोडक्शन फंक्शन है जो हमने इन इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ रेट्स हमने यहाँ पर लिखा है ओके okay. सो so, इसको सिंपली अगर आप इंटरप्रेट करें नोमेरिकल वैल्यूज के साथ तो जस्ट अगर आप इसको जेहन में रखें कि ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ ए प्लस ए के टाइम्स ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल प्लस ए एन टाइम्स ग्रोथ रेट ऑफ लेबर इफ ए इंक्रीज इज बाई टेन परसेंट हाउ मच एंड कीपिंग द कैपिटल एंड लेबर कॉन्स्टेंट हाउ मच आउटपुट विल इंक्रीज ठीक है अगर आप वो इक्वेशन रिकॉल करें तो अगर ओके लेट मी शो इट अगेन सो इफ दिस इज ज़ीरो एंड दिस इज़ ज़ीरोकेनि ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल एंड लेबर जीरो है तो ग्रोथ रेट ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी इक्वल टू द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट सो इफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज बाई टेन परसेंट आउटपुट विल ऑल्सो इंक्रीज बाई टेन परसेंट ओके बट इफ दिस के इनक्रीज बाई टेन परसेंट एंड कीपिंग द अदर का अदर ज़ीरोनि आपकी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही और लेबर नहीं चेंज हो रही जस्ट अगर कैपिटल ग्रो कर रहा है तो अगर ये टेन परसेंट ग्रो करता है कैपिटल तो आउटपुट कितना ग्रो करेगा वो डिपेंड करता है नाओ ऑन द वैल्यू ऑफ ए के ओके मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ए के जो है सपोज एक ए की वैल्यू मैंने बताया था कि लेस देन वन होगी ना तो एम्पेरिकली इसकी वैल्यू पॉइंट थ्री नोट की जाती है तो टेन को पॉइंट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब कैपिटल अगर टेन परसेंट ग्रो कर रहा है तो उसकी वजह से आउटपुट ग्रो करेगी थ्री परसेंट से और इसी तरह से लेबर अगर टेन परसेंट ग्रो करता है तो आउटपुट कितना ग्रो करेगी लेस देन टेन परसेंट किस वजह से इस एंड टर्म की वजह से और जैसे मैंने बताया कि एम्पेरिकली ए पॉइंट थ्री है और एन पॉइंट सेवन है दोनों का टोटल इक्वल टू वन है तो इसका मतलब ये होगा कि लेबर अगर टेन परसेंट इनक्रीज़ कर रही है तो आउटपुट फिर सेवेंटी परसेंट इनक्रीज़ होगी सो ये दोनों ए के एंड एन लेस देन वन है इंडिविजुअली और इनका टोटल जो है वो इक्वल टू वन है तो इसमें दो बातें हैं दोनों इंडिविजुअली लेस देन वन है इसका मतलब ये है कि देर डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्टिविटी ठीक है आप इससे फेमिलियर इस कॉन्सेप्ट से कि डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि जब इसमें एक यूनिट इजाफा होता है लेबर में या कैपिटल में तो आउटपुट में जो इजाफा होता है वो ग्रेजुअली कम होता रहता है और दोनों इक्वल टू वन का मतलब ये है कॉन्सटेंटन टू स्केल मैंने अभी एक्सप्लन किया कि दोनों को अगर आप किसी भी एक रेशो से बढ़ाएँगे तो आउटपुट दोनों को यानी लेबर और कैपिटल को अगर आप फाइव परसेंट बढ़ाते हैं तो फिर आउटपुट दोनों की वजह से भी फाइव परसेंट बढ़ेगी थैंक यू वेरी मच